हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारे पास सोलर पैनल है। एक ये देखिए, ये मिनी सोलर पैनल है और एक हमारे पास ये है रेगुलेटर आईसी 7805। देखिए इसका नंबर आपको दिख रहा हो, देखिए मैं अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों अच्छे से देखिए, थोड़ा कैमरा ब्लर आ रहा है लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये देखिए, ताकि आपको बिल्कुल फेक नहीं लगे वीडियो। तो जैसे कि आपने देखी दोस्तों, ये 7805 आईसी रेगुलेटर है। तो अब हम इसके वोल्ट चेक करते हैं, डीसी 20 वोल्ट पे चेक कर लेते हैं इसे मल्टीमीटर को। अब देखिए इसका माइनस और प्लस लगाएंगे मल्टीमीटर के प्रोबे दोनों पे। तो देखिए 5 वोल्ट निकाल रहा है दोस्तों, क्योंकि ये मेरे पास जहाँ पे रखा है यहाँ पे रोशनी कम पड़ रही है। लेकिन आप इसे धूप में लेके जाएंगे या रोशनी के पास, तो देखिए वोल्ट बढ़ा देगा ये, 12 14 15 वोल्ट तक भी चला जाता है दोस्तों। इतने हाई वोल्टेज निकालता है ये पैनल, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कंपनी का पैनल है। आप देख पा रहे होंगे इसकी प्लेट जो लगी हुई है, ये देखिए, और इस पर ऊपर पन्नी चिपक के आई है वहीं से आगे से। तो दोस्तों अब हम इस रेगुलेटर आईसी का आपको कनेक्शन करके बताएंगे कि अगर आप डायरेक्ट सोलर से मोबाइल चार्ज करें तो किस तरीके से कनेक्शन करने हैं। डायरेक्ट सोलर से नहीं लगाना है, क्योंकि वो हाई वोल्टेज निकालते हैं, मोबाइल में दिक्कत भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या चाहिए, ये देखिए दोस्तों, उसके लिए हमें चाहिए ये मोबाइल पिन वाली वायर, देखिए जिसमें मोबाइल पिन लगी हुई होती है। तो अब दोनों का हमें ग्राउंडिंग एक जगह कर लेना है, देखिए कुछ इस तरीके से। ये हट गया, मैं दोबारा लगा लेता हूँ। अच्छे से लगाना है दोस्तों, ये देखिए। तो दोस्तों अब मैं इस पे पेस्ट लगा लेता हूँ। ताकि सोल्डरिंग अच्छे से हो पाए, तो चलिए हमने पेस्ट लगा लिया है। अभी देखिए दोस्तों, पहले हम इसे सोल्ड करते हैं। अब ये जो ग्राउंडिंग है दोस्तों, सबसे पहले हम इसका कनेक्शन करेंगे 7812 रेगुलेटर पे। तो बीच वाली ग्राउंडिंग हमारी और पिन वाली तरफ, ये देखिए ये आउटपुट है, और जो सोलर का एक वायर प्लस है पॉजिटिव, यानी कि वो हमारा इनपुट है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, कहीं भी ज़्यादा वोल्ट हो डीसी के और हमें 5 वोल्ट लेने हो किसी लाइट के या मोबाइल के लिए, तो हमें 7812 रेगुलेटर का यूज़ करना पड़ता है, वो सॉरी 7805 रेगुलेटर का यूज़ करना पड़ता है। तो जैसे कि आपने नाम में ही देखा होगा 7805, तो ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर होता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से कनेक्शन करने हैं दोस्तों, बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट करते हैं, देखिए 8 वोल्ट माइनस, क्योंकि मेरे प्रोब उल्टी लगाई थी। अब देखिए तो दोस्तों, ये देखिए इस पर वोल्ट अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि पैनल पे ही रोशनी नहीं आ रही, उसकी वजह से इस पर वोल्ट नहीं आ रहा है। ये देखिए इसके इनपुट में ही वोल्टेज कम बन रहे हैं, 3.4.7 इस टाइप से। तो देखिए अब ये निकाल भी रहा है तो कमी, यानी कि रेगुलेटर आईसी जब तक काम नहीं करेगी, अब तक इसे 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, उसके लिए हमने इंतजाम भी कर लिया है, ये बल्ब होल्डर लिया है,
क्योंकि ये प्रकाश की रोशनी का काम करेगा, जैसे सनलाइट होती है। तो जिस टाइम हम ये वीडियो बना रहे हैं, रात का समय है दोस्तों, सूरज की रोशनी तो ला नहीं सकते, इसलिए हम ये देखिए, अब देखिए इतनी दूर रखा है दोस्तों बल्ब, और देखिए इसके किस तरीके से काम कर रहा है। आउटपुट में भी 5 वोल्ट निकल रहा है, और ये देखिए 7 वोल्ट। अगर मैं बल्ब इसको ऊपर रख दूँगा तो बहुत ऊपर भाग जाएंगे, और ये देखिए 5 वोल्ट निकल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे मोबाइल चार्ज करके दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से मोबाइल चार्ज होता है। तो ये हमने एक मोबाइल लिया है, ये देखिए आपको दिख पा रहा होगा, हम इसी मोबाइल को चार्ज करके दिखाने वाले हैं आपको। तो चलिए दोस्तों, हम इसे चार्ज करते हैं। अब इसमें अंदर हम पिन लगाते हैं और लाइट बंद कर देता हूँ ताकि मैं आपको क्लियर दिखा पाऊँ। तो देखिए दोस्तों, अब ये जैसे ही हमने इसके अंदर इंसर्ट की चार्जिंग पिन, तो देखिए इसमें अभी सप्लाई नहीं आई। वो क्यों नहीं आई? क्योंकि दोस्तों वोल्टेज दब गए, जैसे हमने पिन लगाई तो वोल्टेज दब। अब देखिए बल्ब करते ही चार्जिंग आ गई, जैसे हमने बल्ब इसके ऊपर उठा के रखा तो चार्जिंग आ गई, यानी कि हाई वोल्टेज बनने लगे। अब देखिए जैसे मैं पैसे करूँगा तो डिस्कनेक्ट हो गया, चार्जिंग अब नहीं आ रही दोस्तों। अब देखिए जैसे ही मैं बल्ब को करीब में लाऊंगा, इसको ऊपर रखूंगा तो वोल्टेज हैवी बनेंगे और ये चार्ज होना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।